हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टूडियो। समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग, ट्राई ट्राई। तो अगर आपको इस प्रॉब्लम हो गया तो इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, आज हम बताएंगे इस वीडियो में। YD स्टूडियो का जो समथिंग वेंट रॉन्ग प्रॉब्लम है वो सॉल्व कैसे करेंगे, तो आज हम देखेंगे इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। गाइस, कुछ लोग बोलते तो है इसको पहले अपडेट कर लो, YD स्टूडियो को पहले अपडेट करके देखो तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसको भी बात हम मान लेते हैं। चलिए पहले इसको अपडेट भी कर लेते हैं, देखते हैं ये ठीक होता है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो मेरे पास और भी ट्रिक्स है, वो अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसको अपडेट करके देखते हैं सही हुआ है कि नहीं। पहले इसको इंस्टॉल करते हैं इधर से। इंस्टॉल होने के बाद इसको ओपन करके देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। तो इसको यहाँ से ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद गेट स्टार्ट आया है, इसको ऊपर क्लिक करेंगे हम। तो देखिए मेरे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, इधर समथिंग वेंट रॉन्ग ट्राई। मुझे जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व नहीं हुआ इस तरीके से। तो अब दूसरा ट्रिक्स अप्लाई करते हैं। इसके लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा सेटिंग्स पे। सेटिंग्स से जाने के बाद एप्स के अंदर जाना पड़ेगा। YD स्टूडियो लिख के यहाँ पर सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद YD स्टूडियो आ गया। तो इसका अंदर जो डाटा है स्टोरेज, तो ऑल डाटा क्लियर करते हैं इधर से। तो क्लियर करने के बाद फोर्स स्टॉप कर देते हैं एक बार। कुछ लोग बोलते हैं डाटा क्लियर करके देखो सही हो जाएगा। स्टॉप करने के बाद फिर से हम इसको हटा देते हैं। तो इधर से हम जाएंगे यूट्यूब स्टूडियो में। यूट्यूब स्टूडियो में जाने के बाद देखते हैं सही हुआ कि नहीं। समथिंग वेंट रॉन्ग ट्राई, समथिंग वेंट रॉन्ग ट्राई। तो ये तो सही नहीं हुआ, तो अब इसको कैसे ठीक करेंगे। गाइस, मेरा जो लास्ट वाला ट्रिक्स है वो अब अप्लाई करेंगे। अप्लाई करके देखते हैं वो सही होता है कि नहीं। मुझे लगता है वो जरूर वर्क करेगा। तो इसके लिए इसको यहाँ से हटा देते हैं। हटाने के बाद आपको जाना पड़ेगा यूट्यूब को ऑफिशियल एप्स को अंदर। एप्स के अंदर जाने के बाद आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना पड़ेगा। आपको प्रोफाइल तो क्लिक करने के बाद यह जो एरो चिन्ह है उसको ऊपर प्रेस करो। यहाँ पर जो देयर वाज ए प्रॉब्लम, ये अकाउंट था आपको पहले, आप तो ये सस्पेंड हो गया, तो टैप टू रिटाई। इसके लिए आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसका जो जीमेल है वो वाला जीमेल आपको रिमूव करना पड़ेगा। मैनेज अकाउंट पर क्लिक करो। इसके लिए मैनेज करने के बाद आपको सेटिंग्स पे ले आएगा। सेटिंग्स पे आने के बाद गूगल को ढूंढना पड़ेगा। गूगल के अंदर जाओगे तो इधर आपको सारा जीमेल जो है वो सारा जीमेल इधर मिल जाएगा। तो वो वाला जीमेल यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से नीचे देखो रिमूव वाला ऑप्शन है, तो इसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। ये बिल्कुल रिमूव नहीं हुआ, ये लॉग आउट हो रहा है इधर से। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद उसको फिर से साइनिंग कर सकते हो। रिमूव का जो ऑप्शन है इसको ऊपर प्रेस करो और यहाँ से रिमूव कर दो। अब रिमूव करने के बाद ये वाला जीमेल यहाँ से हट जाएगा, और हट जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा यूट्यूब स्टूडियो में। तो यहाँ से चला जाओ होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे जाने के बाद यूट्यूब स्टूडियो ढूंढना पड़ेगा। तो इसको अंदर जाओ। इसको अंदर जाने के बाद तुमको क्या मिलता है देखो, ट्राई एन अदर अकाउंट। तो इसका ऊपर प्रेस करो। यहाँ से कोई भी अकाउंट सिलेक्ट कर दो, तुम्हारा ही अकाउंट। तो इसके बाद तुमको देखो इसको अंदर ले जाएगा। YD स्टूडियो का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। हेलो गाइस, आई एम नॉट ए इंडियन बट ट्राई टू से उर्दू।